you नमस्कार आप सभी का स्वागत है सस तिवारी सागर तिवारी चैनल पर फिर से एक बार आज कुछ एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसके बारे में आपने शायद ही कभी यूट्यूब पे देखा हो मुझे भी नहीं पता कि मुझे शायद ऐसी वीडियो बनाने पड़ेगी उसका कारण जो है जो रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा लेकिन अब उन लोगों को पहले जवाब देना चाहता हूँ काफ़ी टाइम से सुनता रहता हूँ अपने बारे में बातें अफवाहें कि बाबू लोग आप जो बकवास करते हो ना कमेंट करके और जो मेरे हेटर्स हैं बस मैं इतना बोलना चाहता हूँ आपको कि अगर हिम्मत है ना तो ये काम करके दिखा दो बस घर पे बैठ के और मेरे बारे में उल्टी सीधी वीडियोस और ये सब बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है बस हिम्मत है ना तो घर छोड़ के रात को दस बजे आपके लिए दस बजे मैं तो बारह एक एक बजे जाता हूँ दो दो बजे जाता हूँ आपके लिए दस बजे पाँच सौ किलोमीटर जाके हजार किलोमीटर जाके वीडियो बना के दिखा दो बस इसलिए उतनी बात करो जितना काम कर सकते हो तो प्लीज़ और जो मेरे से प्यार करते हैं जो मेरे चाहने वाले हैं उनको हमेशा मैं थैंक यू बोलूँगा और आप सबकी रिस्पेक्ट है क्योंकि आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सच तिवारी फैमिली को बहुत बड़ा किया है उसके लिए धन्यवाद तो अब करते हैं स्टोरी की बात आगे चल के आ जाइए तो आपने सभी ने थंबनेल देख लिया होगा और काफ़ी लोग समझ गए होंगे तो मेरे हाथ में क्या है आप सभी को बता देता हूँ जो आपने थंबनेल में देखा मेरे हाथ में है लील गाय की बोन्स लील गाय क्या होता है गूगल पे सर्च कर लेना एक हॉर्स की तरह जानवर होता है जो खेतों में जाके लोगों की फसलें खाता है और ख़राब करता है जिससे फार्मर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है तो आपको बता देता हूँ ये स्टोरी है कि यहाँ पे लील गाय को किसी ने गोली मार दी थी मतलब शूट कर दिया था क्योंकि वो उसके खेत की फ़सल को ख़राब कर रहा था उसकी डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी रही काफ़ी टाइम से उसके बाद क्या हुआ तीन चार महीने बाद लोगों को ऐसा लगता है लोगों का ऐसा कहना है बाबू मेरा ऐसा कहना नहीं है लोगों का ऐसा कहना है जो रोड पे चलते हैं जो रात को इस खेत में देखते हैं उनको यहाँ पे लील गाय दिखता है और जब वो टॉर्च मारते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है उसका आप ही जवाब देंगे तो ज़्यादा बेटर है वो क्वेश्चन ये है कि जैसे इंसान की आत्मा भटकती है क्या जानवर की आत्मा भटकती है इसका जवाब आप लोग देंगे मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं दूंगा तो आपका कुछ कहना होगा कुछ कई लोगों का कुछ और कहना होगा तो मुझे नहीं पता लेकिन स्पिरिट तो कोई भी हो सकती है जो मेरा मेरा मानना है मैंने जवाब नहीं दे रहा मैं इस पर श्योरटी नहीं रख रहा लेकिन स्पिरिट तो किसी की भी हो वो भटक सकती है और घूम सकती है कहीं भी अब चाहे वो जानवर हो चाहे आदमी हो चाहे कोई भी हो लेकिन ऐसा लोगों का मानना है कि उनको यहाँ पे रात को लील गाय की परछाई दिखती है शेडो दिखती है और जब वो टॉर्च मार के देखते हैं तो वहाँ पे वो नहीं होता काफ़ी सारे में थे उस टाइम पे इस फार्म के अंदर ये जिस ज़मीन पे मैं हूँ और लोगों ने देखा तभी ये स्टोरी क्रिएट हुई तभी सच तिवारी सागर तिवारी यहाँ पे आया और पीछे के नॉइस को अवॉइड करना क्योंकि आपको पता है खेतों में अलग अलग आवाज़ें आती रहती हैं क्योंकि आसपास जंगल रहता है बड़े बड़े पेड़ होते हैं तो क्या हुआ वो डेड बॉडी पड़ी रही काफ़ी टाइम से लेकिन अभी तक उस खेत के मालिक की हिम्मत नहीं हुई कि वो यहाँ से वो डेड बॉडी लेके जाए और मैं भी देखता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ है ऑल आपको मैं बता देता हूँ मेरे को एक घंटा हो गया यहाँ पर बैठे हुए पहले मैं यहाँ पर एक घंटे बैठ चुका हूँ मैंने बड़ी देर से यहाँ पे ध्यान लगा के रखा है क्या मुझे कुछ दिखता है या नहीं और आपने देखा मैंने गड्ढा क्यों खोदा वो आपको मैं बता ही दूंगा कि मैं थोड़ी देर पहले गड्ढा क्यों खोद रहा था अगर ज़रूरत पड़ती है तो चलिए अब आपको मैं उसकी तरफ लेके जाता हूँ और हाँ जो मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी वो बिल्कुल हज़ार परसेंट मेरा उन लोगों से ये चैलेंज है कि जो मैं करता हूँ वो आप करके दिखा दीजिए आइए देखिए ये उसकी डेड बॉडी है एक लील गाय की और यहाँ पे देखो किस तरीके से ये पड़ी हुई है आपको देख के पता चल गया होगा कि कितना टाइम हो गया इसमें कीड़े भी लग चुके हैं ये देखो और आगे की तरफ आते हैं जो इसका मांस था वो कुत्तों ने खा लिया चील ने खा लिया कौ ने खा लिया बदबू आ रही है यहाँ पे बदबू थोड़ी बहुत आ रही है और काफ़ी इसके जो लेग्स के पार्ट थे वो नहीं हैं काफ़ी लोग मतलब जो थे यहाँ पे उस टाइम पे उन्होंने फेंकने की कोशिश करी थी तो शायद फेंक दिए होंगे लेकिन ये पार्ट वो उठा के नहीं ले जा पाए जो खेत के ऑनर थे सोचो कुछ तो ऐसी बात होगी जो अभी उन्होंने छोड़ रखा है तो ऐसा उनका मानना है कि यहाँ पे कुछ है लेकिन ऐसी शिकायतें हो जाती है ऐसी चीजें होती होंगी अब आपको एक चीज और दिखाता हूं ये उसका फेस है देखो ये देखो ये उसका फेस है देखो ये कॉमन बात है जानवरों का मरना बिल्कुल कॉमन बात है लेकिन ये कॉमन बात यहाँ इसलिए नहीं है क्योंकि इस जानवर को गोली मार दी गई थी और अपनी फसल बचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया क्योंकि एक फार्मर छः छः महीने तीन तीन महीने वेट करता है मेहनत करता है पैसा लगाता है अपनी फसल को पैदा करने के लिए और उसी से उसका घर चलता है तो उसका करना भी गलत नहीं था लेकिन अब शायद यहाँ के आसपास के लोग ऐसी चीज फेस कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसा कुछ हो आवाज़ देख रहे हो अभी तक मुझे कुछ नहीं दिखा बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई चीज़ है तो मुझे दिख जाए ऑल ये लोग आ, जो कुछ हैं जो मुझे कमेंट करके बोलेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये नहीं बोला कि ऐसी कोई आत्मा होगी यहाँ पे, लेकिन लोगों का ऐसा मानना है तो इसलिए मैं आया हूँ अभी तक मुझे कोई नहीं दिख रहा बहुत देर से मैं यहाँ पे हूँ एक घंटा मुझे हो ही चुका है ऑलमोस्ट अभी मैं देखता हूँ थोड़ी देर इस तरफ और वेट करके टाइम बता देता हूँ फ़ोन देना एक भाई को मैं लेके आया हूँ अपने साथ में वैसे हम तीन जने हैं मैं झूठ नहीं बोलूँगा मेरे पास फ़ोन नहीं है ये लो चलो फ़ोन यही रहा टाइम फिर क्या चेंज करूँगा टाइम देख लो कितना हो रहा है अपना आपका फ़ोन कहाँ है फ़ोन नहीं है किसी के पास इसलिए मतलब इन दोनों में यही टाइम हो रहा है देख लो आप लोग कीड़े लग रहे हैं इस तरफ बहुत ज़्यादा लाइट बंद हो रही है अपने आप लाइट बंद हो रही है बद, बदबू आ रही है इस तरफ चलते हैं यार। अगर कोई भी ऐसी चीज हो मुझे दिखे देखो मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ रात को दस बजे ही आ गया मैं ज्यादा देर रुक नहीं सकता मुझे यहाँ से वापस भी जाना होगा और इतना आसान नहीं है कि ऐसे ही किसी खेतों में चले जाना लॉकडाउन के टाइम पे आप लोग समझ सकते हैं ऑल दो काफ़ी लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं सिर्फ जंगल खेत 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 वो खेत से बाहर किसी ऐसी ऑफिशियल लोकेशन पे जा ही नहीं पा रहे या हिम्मत नहीं है या वो पैसा कमाने में मस्त हैं मतलब मैं तो सिर्फ ये बातें बोलूँगा यार बुरा लगता है इसलिए बोल रहा हूँ ऑल मैं कभी ऐसी बातें करना नहीं चाहता बट छोड़िए बंद कर देते हैं लाइट को थोड़ी देर ना ये कीड़े काट रहे हैं मुझे देखना बंद कर दो बंद कर दो कोई बात नहीं थोड़ी देर वेट करते हैं हम यहाँ पे अगर कोई ऐसी चीज होगी तो शायद दिख जाए काफी देर हो गई मुझे कुछ दिखा नहीं तो हमारे जो लोकल भाई हैं गांव के आपको पता है कि ऐसी जगह पे वीडियो शूट करने से पहले एक लोकल सपोर्ट चाहिए होता है कि कोई प्रॉब्लम ना करे और जिसकी प्रॉपर्टी है उसने मुझे अलाउ कर दिया खैर कुछ भरोसा है उन्हें तभी ये सब कर रहे हैं अब मैं हाँ ये भाई साहब कह रहे थे कि आपके फ़ोन में ना दो मिनट चार मिनट का डिफरेंस आ रहा था तो मान कोई बात नहीं इतना चलता है भाई अब नौ की और ये ग्यारह सौ फ़ोन है तो एक तो मेरे भाई का ये तो गेयर भी देता हूँ खैर अच्छा सॉरी तो आदत हो गया मुझे फेंकने की अब मुझे वो चीज़ दे दो पहले मुझे कुछ नहीं दिख रहा लो मैं पकड़ लेता हूँ मुझे कुछ नहीं देख रहा लेकिन मैं आप सबको एक चीज़ बता देता हूँ कि जितना मेरे से हो सकता है ये मेरा काम नहीं है मुझे नहीं पता ऐसी कोई चीज़ होती होंगी लेकिन लोगों का ऐसा मानना है तो मेरा जो काम है मैं वो तो करूँगा ही मेरा काम क्या है आपका डर निकालना और उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े आप लोग तो बहुत कुछ करवाना चाहते हो और मैं भी करना चाहता हूँ बस मैं आपसे सपोर्ट और सिर्फ वीडियो शेयर के लिए बोलता हूँ प्लीज़ 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 प्लीज, फेसबुक पे मुझे फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पे स्नैपचैट पे सो डैट आपको मेरी अपडेट्स मिल जाएं और वीडियो शेयर करिए और ये वीडियो ना आप हर जगह टैग करोगे मुझे हर जगह जहाँ हो सकता है आप पकड़िए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है मैंने गड्ढा खोदा था आपने सभी ने देखा मैं एक काम कर सकता हूँ कि आस लोग काम कर सकें अब आपको एक चीज़ बताऊँगा आप समझ गए होंगे कि मैं क्या करने वाला हूँ आप सभी लोग समझ गए होंगे ये मुझे पता था कि ये ग्लव्स ना हमेशा ख़राब हो जाते हैं सस्ते ग्लव्स लेने का यही वो है बजट का मैं ना भी वरना तो डायरेक्ट अमेरिका से इम्पोर्ट करा लेता मैं तो ऐसे ग्लव्स जो फटे ही ना चलिए एक हाथ पे तो आ गए और मेरे घर वालों मुझे माफ़ कर देना मेरे चाहने वालों मुझे माफ़ कर देना क्या करूँ मैं मजबूर हूँ ये काम करने के लिए कहाँ भूत पकड़ने जा रहा था कहाँ जानवरों को भी भूत पकड़ने लग गया हूँ मैं मतलब भूत नहीं बोलता मैं लेकिन ऐसे ही बोल रहा हूँ पानी की बोतल होगी मैं पहले से ही प्रिपेयर होकर आता हूँ जब मुझे लगता है ना कि ऐसा हो सकता है तो वो काम मैं कर लूँ थोड़ा सा ज़रूरत है बाद में हैंड भी वो हो जाएंगे क्लीन चलिए आ जाइए इस तरफ है वो ये काम भी कर दोगे ना जब तो मान जाऊंगा देख लो आ जाओ दूसरी तरफ चलते हैं पहले मुझे बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी इस वजह से मैंने मास्क पहन लिया मुझे पहले पहनना चाहिए था लेकिन तब फ्लो फ्लो में मैं भूल गया बड़ा मुश्किल काम है ये सब करना थोड़ा सा छोड़ देता हूँ बहुत ज्यादा बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा बिल्कुल भी आ जा लोग डरते हैं मालिक डरता है पता नहीं सिर्फ जानवर से ऐसा नहीं है जानवर डेली मरते हैं हमेशा हर जगह मरते हैं लोग गाड़ देते हैं लेकिन यहां एक डर है वो कैसा डर है वो आप सबको मैंने बता दिया अब आपको एक रीज़न बताता हूँ यहाँ पे इस डेड बॉडी को इधर देखिए इधर लाइए हाँ अब आपको रीजन बताता हूँ इसको यहाँ पे गाड़ने का वो ये है कि ये जिसकी जगह है वही मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं ये सब कर सकूँ यहाँ पे हजारों खेत हैं लेकिन मैं किसी के खेत में ये नहीं गाड़ सकता किसी को पता चल जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें होंगी अब मैं इसको बस इतना ही कर सकता हूँ मेरे ज्यादा बस की नहीं है ये काम बहुत मुश्किल है चलो कुछ भी है यार मैं हर एक बच्चे को हर एक डरने वाले इंसान को यही कहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है जानवर मरते हैं डेली लेकिन कुछ डर है यहाँ पे। मुझे कोई नहीं दिखा मुझे दिखते नहीं हैं इतनी जल्दी चीज़ें महसूस होती हैं मुझे महसूस नहीं हुआ ऐसा कुछ लेकिन अब कम से कम यहाँ का ऑनर यहाँ पे आ सकता है लेकिन मैं उसे बताऊँगा नहीं कि मैंने कहाँ पे गाड़ा है और मैंने बोल दिया था कि आप एक हफ्ते तक यहाँ आना मत तब तक ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा बारिश हो जाएगी ये हड्डियाँ जो हैं मिट्टी बन जाएंगी बाकी मैं इसको थोड़ा सा कवर ओवर कर दूंगा ये वीडियो का कंसेप्ट बिल्कुल अलग है लेकिन यहाँ डर भूत आत्मावासी चीज़ों की बातें हो रही थी इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा अब आपको देखना है आपने क्या करना है यार मैं इससे ज़्यादा नहीं समझा सकता प्लीज़ सपोर्ट करिए थैंक यू सो मच और डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है उसको देख लेना और काफ़ी लोग बोल रहे थे उसमें ये बाबा हंस रहा था तो आपको बता देता हूँ कईयों का पहली बात फ़ेस ऐसा होता है हम उसे देखते तो हमें लगता है वो बंदा हंसता है लेकिन एक्चुअली उसका वो नेचुरल एक्सप्रेशंस होते हैं कि हमें लगता है कि यार वो बंदा मतलब इंटेंशली हंस रहा है लेकिन उसका एक्सप्रेशन फेस का होता है वो नॉर्मली वैसा ही होता है तो उस वीडियो में भले वो बाबाओं की स्क्रिप्टेड चीज़ें थी मेरी नहीं थी सफाई देना नहीं चाहता था लेकिन कईयों का डाउट था वो क्लियर करना चाहता था और अभी जाने में टाइम लगेगा मेरा चश्मा भी गिर गया तो प्लीज़ यार सपोर्ट करना थैंक यू सो मच अभी मैं हाँ हूँ एक घंटे सो डैट कुछ ऐसी चीज़ दिखेगी तो शायद मैं ई भी अपना यूज़ कर सकूं मोशन सेंसर लाइट भी यूज़ कर सकूं आप लोग कमेंट करके बताना है क्या ऐसा है पॉसिबल कि जानवरों की भी आत्मा भटकती है वो आपको बताना है मैं नहीं बोलूँगा थैंक यू